हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C21 फ़ोन में आप लोग इन पैटर्न लॉक को कैसे तोड़ सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C21 फ़ोन है और उस फ़ोन में जो है किसी ने यहाँ पर पैटर्न लॉक लगा दिया है और आप लोगों को जो पता नहीं है ये पैटर्न लॉक क्या है, या अगर आप लोगों ने खुद ही में से लगाया है इस पैटर्न लॉक को और आप लोग भूल चुके हो कि ये पैटर्न लॉक क्या था, तो इस पैटर्न लॉक को आप लोग कैसे तोड़ सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जो है यहाँ पर किसी ने पैटर्न लॉक लगा दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस पैटर्न लॉक जो है मैं आप लोगों को आपके सामने ही खोल के दिखाऊंगा कि पैटर्न लॉक को आप लोग कैसे खोल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैटर्न लॉक को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन को पावर ऑफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पावर बटन दिया गया है, तो इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करते ही देख सकते हैं एक पावर ऑफ़ का ऑप्शन आएगा, पावर ऑफ़ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा जो फ़ोन है वो पावर ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जो है अपने फ़ोन को पावर ऑफ़ हो जाने देना है। और पावर ऑफ़ होने के बाद आप लोगों को क्या करना है मैं भी ये एक एक करके स्टेप्स जो है आप लोगों को बताऊंगा। और ये लॉक तोड़ने से पहले आप लोगों को जो है अपने फ़ोन का जो बैटरी परसेंटेज है उसको थोड़ा ज़्यादा करके रखना है। अगर आपका जो बैटरी है वो लो होगा तो आपका जो फ़ोन में है वो प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस बैटरी परसेंटेज लो होने से आप लोग जो है इस पैटर्न लॉक को तोड़ नहीं पाओगे और आपके फ़ोन में जो है कुछ और ही प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग बैटरी को थोड़ा ज़्यादा रखिए, जैसे कि 40% से ऊपर रखिए और उसके बाद आप लोग अपने पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑफ़ हो गया है। ऑफ़ होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऑफ़ होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो साइड में हमारा एक पावर बटन है और वॉल्यूम बटन से वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, जिससे आप लोग वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हो। तो यहाँ पर जो है इन बटन्स के मदद से आप लोग अपने पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो पावर बटन है इसमें और वॉल्यूम अप बटन जिससे आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो मतलब बढ़ाते हो, तो दोनों को जो है आप लोगों को एक साथ में क्लिक करके पकड़ के रखना है। पकड़ के रखने के बाद यहाँ पर एक रियलमी का लोगो आएगा, तो रियलमी का लोगो आते ही आप लोग पावर बटन को छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम अप बटन है उसको छोड़ना नहीं है। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ गाइस ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पावर बटन है इसमें और वॉल्यूम अप बटन जो है इसमें, दोनों को एक साथ में क्लिक करके रखना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ में क्लिक कर दिया है, तो रियलमी का लोगो आ गया है। तो अभी हम पावर बटन को छोड़ देंगे, लेकिन इसको हमने अभी तक नहीं छोड़ा है, जिससे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं उसको नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा अभी आप लोग इसको छोड़ सकते हो। तो अभी देख सकते हैं कुछ चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ आया है, तो अगर आपके फ़ोन में जो ही हिंदी में आया है तो आप लोग फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन ढूंढ लीजिए और उसमें क्लिक करके फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में जो है कुछ इस तरीके का चाइनीज़ का आया है तो आप लोग कहाँ पर क्लिक करके अपने फ़ोन के पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम नीचे जो ऑप्शन है गाइस, एकदम लास्ट वाला, आप लोगों को जो है इस पर क्लिक करना होगा, एकदम नीचे वाला ऑप्शन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम और एक बार क्लिक कर देंगे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। तो और एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो ऑफ होके ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। तो यहाँ पर से आप लोगों को जो है थोड़ा वेट कर लेना है, इसको ऑन होने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पैटर्न लॉक है वो यहाँ पर खुलने वाला है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा इस, क्योंकि यहाँ पर ऑन होने के बाद हमने फ़ोन को जो है सेटअप भी करना होता है। अगर आप लोगों को सेटअप करना नहीं आता है तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा गाइस कि कैसे आप लोग अपने फ़ोन को जो है सेटअप कर सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस अपने फ़ोन के ऑन होने का, और यहाँ पर ऑन होने के बाद आप लोगों को सेटअप करना भी मैं सिखा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है। तो ऑन होने के बाद अभी हम लोगों को जो इसको सेटअप करना होगा, सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो है आप लोगों को लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर से आप लोग पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक कॉन्टिन्यू का ऑप्शन होगा, कॉन्टिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर से जो है सभी
कंडीशन को आप लोगों को एग्री करना होगा, तभी जो है आप लोगों का ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है ये आएगा, नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम सभी को एग्री कर देंगे। एग्री करते ही देख सकते नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है, तो अभी हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते यूज़ मोबाइल डाटा का ऑप्शन आया है, तो हम ऑफलाइन करेंगे गाइस। तो यहाँ पर हम इस मोबाइल डाटा को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर से जो आप लोग वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम वाईफाई को भी कनेक्ट नहीं करेंगे गाइस। नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर से एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और नीचे एक एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते कुछ अनलॉक मेथड का ऑप्शन आए हैं, तो यहाँ पर से जो है फेस लॉक को लगा सकते हो, पासवर्ड को लगा सकते हो, लेकिन हम किसी लॉक को भी यहाँ पर से नहीं लगाएंगे गाइस, क्योंकि ऊपर की तरफ एक स्किप का ऑप्शन होगा, हम स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड का ऑप्शन आएगा, ग्लेंस फॉर रियलमी पर्सोनलाइज सर्च, तो ये सब जो आप लोग पढ़ इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑन ऑफ करने के बाद नीचे एक डन का ऑप्शन होगा, इस डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते कुछ रिकमेंडेड एप्लीकेशन आए हैं, तो यहाँ पर से जो आप लोग इन सब को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर से किसी को भी डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्किप का ऑप्शन है, स्किप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा, वेलकम रियल मी UI, और नीचे एक ऑप्शन आया है गेट स्टार्टेड का, तो इस गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है। तो ऑन होने के बाद सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गाइस, हमारा जो पैटर्न लॉक था वो खुल गया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन को ऑन करेंगे और स्वाइप करेंगे, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे फ़ोन में अभी कोई भी पैटर्न लॉक नहीं है। जो मेरे फ़ोन में जो पैटर्न लॉक था वो यहाँ पर खुल गया है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C21 फ़ोन में पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।